जब हम औषधियों को डिज़ाइन करते हैं, तैयार करते हैं, तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसमें से कुछ बिंदुओं को हम समझेंगे। सबसे पहला है औषध लक्ष्य या टारगेट, मॉलिक्यूल्स किस पर अटैक करता है। दूसरा है औषध उपापचय। तीसरा है औषध लक्ष्य का जैव क्रियात्मक कार्य। और चौथा है औषध की क्रिया की क्रियाविधि। तो ये चार पॉइंट है जिस पर आधारित होता है किसी भी औषधि को बनाना। तो सबसे पहले देखेंगे कि औषध लक्ष्य क्या है। तो जैसा हमने देखा कि जो औषध लक्ष्य है वो वास्तव में जैव अणु होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, ये सारी चीज़ों पर ये क्रिया करते हैं या उनके साथ औषधियों की क्रिया होती है। तो इन्हें हम कहते हैं लक्ष्य अणु या औषध लक्ष्य। तो औषध के लिए लक्ष्य अणु का जो सही चयन है वही निर्धारित करता है कि औषधि का सही प्रभाव या औषधि का जो एक्यूरेट इफ़ेक्ट है बॉडी पर वो कितना पड़ेगा। यानी लक्ष्य अणु का सही चयन करना औषध के अधिकतम चिकित्सकीय प्रभाव के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। यदि हम सही ढंग से चयन करेंगे लक्ष्य अणु का, तभी औषधि जो है उस लक्ष्य अणु पर एक्टिवेट होगी और तभी हमारे शरीर पर उस औषधि का सही प्रभाव पड़ता है। अगला हम देखेंगे औषध उपापचय। जब औषधि को शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं तो जब ये लक्ष्य अणु तक पहुँचता है, लक्ष्य अणु तक पहुँचते तक वो कई सारी जर्नी करता है, यात्रा करते हुए वहाँ तक पहुँचता है। तो औषध की डिज़ाइनिंग के समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि औषध बिना उपापचयित हुए लक्ष्य अणु तक कैसे पहुँचे। यानी जब तक वो लक्ष्य अणु तक पहुँचे, वो जिस संरचना को लिए हुए शरीर के अंदर प्रवेश किया है, लक्ष्य अणु तक पहुँचते पहुँचते भी उसकी वही संरचना स्थिर रहे। अगला है औषध लक्ष्य का जैव क्रियात्मक कार्य। तो औषध लक्ष्य का जो जैव क्रियात्मक कार्य है, इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके ज्ञान से ही हमें यौगिक का सही ढंग से चयन हो पाएगा और तभी लक्ष्य के साथ वो अन्योन्य क्रिया या इंटरेक्शन ठीक से कर पाएगा और तभी हमारे शरीर में उस औषधि का प्रभाव सही ढंग से होगा या वह औषधि तभी सक्रिय हो पाएगी। अगला है कि ये जो औषधि है इसकी क्रिया की क्रियाविधि। तो कोई भी औषधि की जो क्रिया है उसकी क्रियाविधि का ज्ञान होना, साथ ही उस जैव अणु के उपापचय मार्ग का ज्ञान होना, ये सारी चीज़ें किसी औषधि की गुणवत्ता को सुधारने में बहुत मदद करती है और हमारे शरीर को उस औषधि के कुप्रभाव से बचाने में भी मदद करती है। तो जब किसी औषधि का डिज़ाइनिंग होता है तो उस समय इन चारों बिंदुओं का मुख्य रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम समझेंगे कि औषध लक्ष्य अन्योन्य क्रिया जब होती है, यानी औषध लक्ष्य अणु के साथ इंटरैक्ट जब होता है, तो किन किन पथ से होकर के गुजरता है या कौन कौन से यहाँ पर छोटे छोटे बिंदु को हमें समझने की पहले आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जैविक वृहद अणु होते हैं वो हमारे शरीर में अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम मुख्य रूप से बायो कैटलिस्ट होते हैं, ये जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, और ये वास्तव में ये प्रोटीन होते हैं। इसी तरह से कुछ ग्राही होते हैं जो कि प्रोटीन होते हैं और शरीर की संचार व्यवस्था के लिए निर्णायक होते हैं, तो इन्हें हम ग्राही कहते हैं। वाहक भी होते हैं कुछ, तो ये प्रोटीन ध्रुवीय अणुओं को कोशिका कला या जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसके आर पार ले जाने में मदद करते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है वाहक। इसी प्रकार जो न्यूक्लिक अम्ल है जिसमें हम डीएनए आरएनए को जानते हैं, ये कोशिका की सांकेतिक आनुवांशिक जानकारी प्रदान करने का कार्य करते हैं। जो लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट है, ये सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला की संरचना का एक मुख्य भाग होता है। तो लक्ष्य और औषध के बीच के इंटरैक्शन को समझने के लिए ये छोटे छोटे बिंदुओं को समझना भी आवश्यक है। अब हम ये जानेंगे कि जो बायो कैटलिस्ट है जिसे हम एंजाइम कह रहे हैं, ये एक प्रोटीन है और ये एंजाइम
औषध लक्ष्य की तरह किस तरह से कार्य करता है। तो ये हम देख रहे हैं कि एंजाइम यदि उत्प्रेरक का कार्य करता है तो ये कैसा होगा। तो पहला हम बिंदु देखते हैं कि एंजाइम का उत्प्रेरक कार्य। तो इसके पहले हम समझेंगे कि एंजाइम वास्तव में क्या होता है। तो एंजाइम हाई मॉलिकुलर वेट वाला नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और जो कि पेड़ पौधे या जीव जंतुओं की जीवित कोशिकाओं द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसे नाम दिया गया है बायो कैटलिस्ट। तो ये जो एंजाइम होते हैं ये देखा गया है कि मूल रूप से ये प्रोटीन ही होते हैं और ये जीवित कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको ये उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं, उनको ये कैटलाइज करते हैं, उनको ये रिएक्ट करके आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। कभी कभी ये रिएक्शन की रिएक्टिविटी को कम भी करते हैं, तो वहाँ पर ये संदमक की तरह व्यवहार करते हैं। अगला है कि एंजाइम जो है विशिष्ट होते हैं, यानी एंजाइम एक निश्चित तापमान पर ही कार्य करते हैं, तो उस तापमान को कहा जाता है अनुकूलतम तापमान। एंजाइम में हम देखते हैं कि एक अप्रोटीनी भाग होता है जिसे को एंजाइम या सह एंजाइम भी कहा जाता है। ये जो सह एंजाइम है वो वास्तव में एंजाइम की ही क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। कुछ एंजाइम जो है वो उत्प्रेरकी ढंग से बहुत अधिक विशिष्ट होते हैं, यानी एक विशेष एंजाइम एक विशेष क्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। सभी एंजाइम सभी क्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर सकते हैं। एंजाइम जो है वो एक विशिष्ट पीएच पर ही कार्य करता है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि एक निश्चित पीएच पर ही वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, ये होता है लगभग 5 से 7 के बीच, तो इसलिए इसे अनुकूलतम पीएच भी कहा जाता है। जैसा हमने देखा था कि एक तापमान भी निश्चित होना चाहिए उत्प्रेरक को सही ढंग से कार्य करने के लिए, वैसे ही पीएच का भी निर्धारण सही होना चाहिए, तभी उत्प्रेरक जो है वो सही ढंग से कार्य करता है। तो ये तो हमने देखा कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम और औषधि के बीच के इंटरैक्शन को समझने के लिए हमें ये भी जानना आवश्यक है कि वास्तव में किसी रिएक्शन में एंजाइम किसी क्रिया को कैसे उत्प्रेरित करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये जो एंजाइम है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से कार्य करते हैं। तो सबसे पहला ये देखिए कि सबस्ट्रेट को रासायनिक क्रिया के लिए साधे रखने का कार्य करते हैं। इसका अर्थ है कि जब भी एंजाइम सबस्ट्रेट को किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए साधे रखता है, इसका अर्थ है कि एंजाइम के ऊपर एक सक्रिय सतह है। यहाँ देखिए एंजाइम पर एक सक्रिय सतह है और इस पर ये क्रियाधार अणु या जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं उसको ये थामे रखता है, और जब इस पर थामे रखता है ये, तो इस वजह से अभिकारक द्वारा यहाँ पर प्रभावकारी आक्रमण हो पाता है। यानी उस सबस्ट्रेट को अपनी सतह पर थामे रखने का कार्य, ये सबसे पहला कार्य होता है एंजाइम का। तो ये जो एंजाइम है जब सबस्ट्रेट को सक्रिय सतह पर थाम कर रखता है तो यहाँ पर उनके मध्य कुछ अन्योन्य क्रियाएं होती है, तभी तो वह उस सतह पर जमा हुआ है। तो इस सतह पर जब ये जमता है तो यहाँ पर इनके बीच जो इंटरेक्शन है इसके जिम्मेदार जो है वो आयनिक बॉन्ड हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। इन वजहों से ये एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो आपस में जुड़े होते हैं। और यहाँ पर आप देखिए E+S=ES और फिर P+E लिखा है। ई यानी एंजाइम, S यानि सबस्ट्रेट और इनके सहयोग से बना ES, ये एक बीच में संकुल जैसा बना, और इनके टूटने से बन गया प्रोडक्ट जो कि P है, और प्रोडक्ट के बनने के बाद एंजाइम जिस अवस्था में था उसी अवस्था में बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके मध्य जो बंधन बल है वो बहुत अधिक प्रबल भी होते हैं, क्योंकि ये जब तक प्रबल होते हैं तो तभी यह क्रियाधार को बहुत लंबे समय तक या सबस्ट्रेट को बहुत देर तक बांध कर रख पाते हैं और एंजाइम अभिक्रिया को उत्प्रेरित करके आगे क्रिया कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि ये इतने दुर्बल भी होते हैं क्योंकि क्रिया कंप्लीट होने के बाद
एंजाइम जैसा था वैसे ही बाहर निकल जाता है और यहाँ पर एंजाइम अपने सक्रिय सतह से अलग हो जाता है। ये जो बंधन बल होते हैं वो बहुत ही प्रबल भी होते हैं, तभी ये सबस्ट्रेट को बहुत देर तक बांध कर रखते हैं और इसी कारण से एंजाइम अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि ये दुर्बल भी होते हैं। इनके दुर्बल होने के कारण उत्पाद निर्मित होने के पश्चात ये सक्रिय सतह से पृथक भी हो सकते हैं। तो इसको हमने देखा कि किस प्रकार से एंजाइम सबस्ट्रेट को अपनी सतह पर थामे रखता है और इसकी जो वजह है वो विभिन्न प्रकार के बंध हैं, हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों के कारण ये आपस में जुड़े रहते हैं। दूसरा जो एंजाइम का कार्य है वो है क्रियात्मक समूह प्रदान करना, जो कि सबस्ट्रेट के साथ अन्योन्य क्रिया कर सकता है। तो एंजाइम का जो दूसरा कार्य है वो क्रियात्मक समूह प्रदान करना है, यानी ये एंजाइम क्रिया करने के लिए क्रियात्मक समूह प्रदान करता है। ये सबस्ट्रेट पर क्रिया करने का जो कार्य है ये हम देखते हैं कि निश्चित अमीनो अम्ल के जो अवशेष हैं या जो प्रोटीन होते हैं ये एंजाइम की तरह कार्य करते हैं और एंजाइम की तरह कार्य करके ये क्रिया को संपन्न कराते हैं। एमिनो अम्ल जो है वो वास्तव में सेरीन संकुल में शामिल होता है और ये जो सेरीन है, सेरीन में प्रेजेंट जो OH समूह है, ये OH समूह जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है और ये OH समूह के न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करने के कारण यहाँ पर हम देखते हैं ये क्रिया को उत्प्रेरित कर पाता है। तो किस तरह से हमने देखा कि सेरीन संकुल में ये एमिनो अम्ल जो है वो कैसे OH समूह इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। क्रियात्मक समूह प्रदान करना, एंजाइम का दूसरा कार्य क्रियात्मक समूह प्रदान करना है जो सबस्ट्रेट से रासायनिक अभिक्रिया करता है। यह कार्य निश्चित एमिनो अम्लों के अवशेष जो प्रोटीन में होते हैं एंजाइम की सक्रिय सतह पर उपस्थित होते हैं इनके द्वारा किया जाता है। एमिनो अम्ल क्रियात्मक समूह सबस्ट्रेट या क्रियाधार पर आक्रमण करने के लिए देते हैं और रासायनिक अभिक्रिया होती है। एंजाइम के प्रोटीन सक्रिय सतह कैसे प्रदान करते हैं? एंजाइम प्रोटीन होती है जो अल्फा एमिनो अम्लों की बनी होती है। ये पेप्टाइड बंध से जुड़ी रहती है। इनमें NH2, COOH जैसे समूह जो कि पेप्टाइड बंधन में भाग लेते हैं, एमिनो अम्लों की पार्श्व श्रृंखला में अन्य क्रियात्मक समूह भी होते हैं। इन एमिनो अम्लों में मुक्त क्रियात्मक समूह जैसे OH, NH2, COOH, SH, बेंजीन वलय तथा अन्य विषम चक्रीय वलय भी होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट कि औषध एंजाइम अन्योन्य क्रिया। कुछ जो औषधियाँ होती हैं वो एंजाइम की बंधनी सतह यानी जहाँ पर ये जुड़ता है सबस्ट्रेट, तो उस बंधनी सतह को अवरुद्ध कर देते हैं। ये अभिकारक के आबंधन को या अभिकारक किस तरह से आकर वहाँ पर जुड़ेगा उसको ये रोकते हैं, एंजाइम के उत्प्रेरकीय कार्य पर बाधा डालते हैं। तो इस तरह के औषधियों को कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। ये औषधियाँ एंजाइम की जो सक्रिय सतह है इस सक्रिय सतह पर क्रियाकारक या जो क्रियाधार है जो सबस्ट्रेट है उसके संयोजन में दो प्रकार से अवरोध उत्पन्न करता है। यानी ये औषधि एंजाइम की सतह या एंजाइम की जो सक्रिय सतह है जहाँ पर सबस्ट्रेट जुड़ता है आकर या उसके जुड़ते समय दो तरह से बाधा उत्पन्न करता है, ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि औषध जो है वो एंजाइम की सक्रिय सतह पर जब ये जुड़ता है तो जो वास्तविक सबस्ट्रेट है उसके साथ ये स्पर्धा करता है, कंपटीशन करता है। यानी कुछ ऐसे औषधि होते हैं जो एंजाइम की सक्रिय सतह पर सबस्ट्रेट को जुड़ने नहीं देकर बल्कि स्वयं जुड़ जाते हैं, सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करते हैं। तो इस तरह के जो औषधि होते हैं इसको कहा जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट ना जुड़ करके कैसे ये देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यानी ये औषध का जो मॉलिक्यूल है वो आकर यहाँ पे सक्रिय सतह पर जुड़ गया है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि औषध और क्रियाधार सक्रिय सतह के लिए किस प्रकार स्पर्धा किए हैं और कैसे सबस्ट्रेट ना जुड़ करके एंजाइम की सक्रिय सतह पर औषध आकर जुड़ जाता है। अगला जो हम देखते हैं इनहिबिशन, वो है कि कुछ ऐसी भी औषधि होती हैं जो एंजाइम की सक्रिय सतह पर नहीं जुड़ती हैं, वहाँ पर आके संयोजन नहीं करती। ये एंजाइम की एक दूसरी सतह जिसे कहते हैं एलोस्टेरिक सतह, वहाँ जाकर ये जुड़ने लगती है। तो एंजाइम की जो सक्रिय सतह है वहाँ पर ये ना जुड़कर एलोस्टेरिक सतह पर जब जुड़ते हैं, इस तरह के इनहिबिटर्स के एलोस्टेरिक सतह पर जुड़ने से जो इसका सक्रिय सतह है, इस सक्रिय सतह की आकृति बदल जाती है। तो जब ये सक्रिय सतह की आकृति बदल जाती है तो सबस्ट्रेट उसे पहचान नहीं पाता है, तो एंजाइम की सतह पर सबस्ट्रेट आकर नहीं जुड़ पाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एंजाइम की सतह पर दो प्रकार से औषधि आकर क्रिया कर सकती है। पहला हमने देखा कि कैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो औषध है वह सबस्ट्रेट को ना जुड़ने देकर स्वयं जुड़ जाता है, और दूसरी स्थिति में हमने देखा कि एंजाइम की सक्रिय सतह की आकृति बदल जाती है। वो क्यों बदलती है? क्योंकि कुछ औषधियाँ जो है वो एलोस्टेरिक सतह यानी सक्रिय सतह पर ना जुड़ करके दूसरे सतह पर आकर के जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो सक्रिय सतह है उसकी आकृति के बदलने के कारण सबस्ट्रेट इसको पहचान नहीं पाता है और यहाँ पर इस तरह की क्रिया नहीं हो पाती है। यदि एंजाइम और जो इनहिबिटर है उनके बीच का जो बंध है वो बहुत मजबूत सहसंयोजी बंध है तो इसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार जो एंजाइम है वह स्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाते हैं, एंजाइम की जो क्रिया है वो स्थायी रूप से रुक जाती है। तब शरीर जो है वो एंजाइम संदंभक संकुल को निम्नीकृत कर देता है और एक नया एंजाइम बनता है। अब हम जानेंगे ग्राही औषध लक्ष्य की तरह। जो ग्राही हमने देखा था कि ग्राही जो है वो शरीर की संचार व्यवस्था के लिए जो निर्णायक प्रोटीन है वे ग्राही होते हैं, और इसमें अधिकतर जो है वो सेल मेम्ब्रेन में स्थित होते हैं, और यहाँ जो ये ग्राही प्रोटीन है वो कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन में इस प्रकार से स्थित होते हैं कि इनका बहुत छोटा सा सक्रिय हिस्सा जो है वो कोशिका कला के ऐसे बाहरी क्षेत्र पर दिखाई देता है। यहाँ पर जो ये ग्राही दिखाई दे रहा है ये कोशिका कला के बाहरी क्षेत्र में छोटे से जगह पर दिखाई देता है। अब हम ये जानेंगे कि कैसे ये ग्राही कोशिका में संदेश का स्थानांतरण करता है। तो हम सब ये जानते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यहाँ पर सूचनाओं का संचार होता है, आदान प्रदान होता है, और इन सूचनाओं के आदान प्रदान की वजह होती है न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स जो है वो संदेश को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक लेकर जाता है नाड़ी स्पंदन के द्वारा। दो न्यूरॉन और न्यूरॉन तंत्रिका पेशियों के मध्य जो संदेश का संचार होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन्फॉर्मेशन का, यहाँ ये केमिकल्स के द्वारा ही होता है। इन केमिकल्स को कहा जाता है रासायनिक संदेश वाहक। ये ग्राही प्रोटीन की बंधनी जो सतह है यहाँ पर ग्रहण किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार से जुड़ते हैं और कैसे ये क्रिया करते हैं रासायनिक संदेश वाहक। तो ये जो ग्राही प्रोटीन होते हैं इनकी बंधनी सतह पर ये जो संदेश वाहक है उनको समायोजित करने के लिए ये जो ग्राही है इनके आकार में बदलाव आता है। तो जब संदेश का स्थानांतरण हो जाता है तो रासायनिक संदेश वाहक यहाँ से अलग हो जाते हैं। तो जब इस ग्राही की संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है, यहाँ पर ये रासायनिक संदेश वाहक संदेश देने के बाद, संदेश के स्थानांतरण के बाद अलग हो जाते हैं, और ये जो सक्रिय सतह है ग्राही का ये अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। संदेश का ग्राही से कोशिका में स्थानांतरण हो रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संदेश जब कोशिका तक जाता है और यहाँ पर इसके बंधनी सतह के आकार में परिवर्तन होता है, और इन सब के बाद कोशिका में संदेश का संचार हो जाता है। और जब ये रासायनिक संदेश वाहक कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करता बल्कि अब केवल सूचना को प्रवेश कराता है, केवल संदेश को देने का कार्य करता है, और संदेश देने के बाद ये देखिए
बाहर चला जाता है। तो ये बिना परिवर्तित हुए या बिना अंदर प्रवेश किए रासायनिक जो संदेश वाहक है वो कोशिका के भीतर तक संदेश को पहुंचा देते हैं। जैसा हमने देखा कि किस तरह से ये रासायनिक संदेश वाहक बिना स्वयं अंदर कोशिका में प्रवेश किए कोशिका तक अपने संदेश का स्थानांतरण कर देते हैं और जो ग्राही प्रोटीन होता है उसके स्ट्रक्चर में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। बीच में एक जगह वो परिवर्तित होते हैं, बाद में वो जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। तो कोशिका में जो ये संदेश का स्थानांतरण होता है रासायनिक संदेश वाहक के द्वारा, तो यहाँ पर ये रासायनिक संदेश वाहक जो है वो दो प्रकार से कार्य करते हैं, एक है हार्मोन और दूसरा है तंत्रिका संचारक। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे शरीर में जो नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं या जिसे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं उनसे स्रावित होती हैं। ये हमारे शरीर के नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती हैं और इसकी बहुत कम मात्रा ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। हमारे शरीर में जो ये हार्मोन्स हैं वो शरीर में होने वाली सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए एक आवश्यक जैवाणु होते हैं, पूरे शरीर में जो सूचनाओं का स्थानांतरण करते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये शरीर के लिए बहुत कम मात्रा में ही आवश्यक है, लेकिन ये बहुत आवश्यक एक पदार्थ होता है। इसके बिना हमारे शरीर की कई सारी एक्टिविटीज़ जो है वो अवरुद्ध हो सकती हैं। जैसा कि एक उदाहरण हम देख रहे हैं कि एड्रीनेलिन एक हार्मोन है जो कि एमीन हार्मोन होता है। ये एड्रीनेलिन हार्मोन जो है वो तनाव या खतरे की जो परिस्थिति आती है वहाँ पर एड्रीनल मेड्यूला से स्रावित होता है। तो ये शरीर की शारीरिक व्यायाम करने और सभी प्रकार के तनाव या खिंचाव को सहने में मदद देता है। तो एक विशेष तरह के अंतःस्रावी ग्रंथि या नलिका विहीन ग्रंथि से एक विशेष तरह के हार्मोन्स का ही स्रावण होता है। तो ये अति विशिष्ट होते हैं, इसके कार्य भी सभी हार्मोन्स के विशिष्ट होते हैं। इसके बाद हम दूसरा जो संदेश वाहक है रासायनिक संदेश वाहक के बारे में जानेंगे वो है तंत्रिका संचारक। ये एक प्रकार से रासायनिक यौगिक होते हैं जो स्वयं ग्राही प्रोटीन के सक्रिय जो सतह होते हैं उससे बहुत कम समय के लिए जुड़े रहते हैं। तो जब ये ग्राही प्रोटीन के सक्रिय सतह पर बहुत कम समय के लिए जुड़ते हैं और संदेश का जब संवहन हो जाता है तो उस साइट को उस सतह को बिना किसी परिवर्तन के छोड़ देते हैं जैसा हमने देखा, और ग्राही कोशिका को ये संदेश पहुँचा देते हैं। सतह छोड़ने के बाद ये तंत्र संचारक में निम्नीकरण हो जाता है, यानी इसका जो एक्टिवनेस होता है सक्रियता जो होती है वो इसकी कम हो जाती है। अब ये संवाहकों की तरह कार्य करने की क्षमता नहीं रख पाते हैं, ये निष्क्रिय हो जाते हैं और पुनः ये सक्रिय संवाहक बनने के लिए निम्नीकृत उत्पाद तंत्रिका के किनारे पर ये वापस आ जाता है। अब हम तंत्रिकीय संदेश वाहकों के बारे में जानेंगे। ये जो तंत्रिकीय संदेश वाहक होते हैं तंत्रिका कोशिकाएं अपने संदेशों का जो स्थानांतरण है वो तंत्रिकीय संदेश वाहकों द्वारा करती हैं। संदेश के स्थानांतरण के लिए ये जो तंत्रिका कोशिकाएं अपनी साइनेटिक घुंडियों को स्थानांतरित करके शीघ्रता से हट जाती हैं और संदेश को स्थानांतरित करके ये वापस अपरिवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ जो तंत्रिकीय संदेश वाहक हैं उनकी संरचनाओं को हम जानेंगे, जैसे एसिटिल कोलीन। तो एसिटिल कोलीन में आप देखिए CH3CO CH2 CH2 NME3 यानी यहाँ पर मेथाइल के तीन मॉलिक्यूल्स हैं और इस तरह से N से ये जुड़े हैं, तो ये एसिटिल कोलीन हो गया। अगला जो तंत्रिकीय संदेश वाहक है वो है डोपामीन, जिसमें बेंजीन रिंग है और दोनों OH समूह बेंजीन रिंग के यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर जुड़े हुए हैं और OH के ही मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है CH2CH2NH2, तो ये बन गया डोपामीन। अब हम सेरोटोनिन की संरचना को देखेंगे। सेरोटोनिन की जो संरचना होती है यहाँ पर देखिए एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ ये एक 5 सदस्यीय रिंग है और इसके साथ जुड़ा हुआ CH2CH2NH2 है। तो ये जो बेंजीन रिंग है इसके साथ जुड़ा हुआ OH है, फिर 5 सदस्यीय रिंग है जिसमें NH जुड़ा हुआ है और फिर CH2CH2NH2, सेरोटोनिन की संरचना हो गई।
ग्राही की जो सक्रियता है वो एक समान होती है। ये इस चीज़ से प्रभावित नहीं होता है कि जो संवाहक है या जो केमिकल इन्फॉर्मेटर है वो एक हार्मोन है या एक तंत्र संचारक है, तो इस चीज़ पर वो ग्राही प्रोटीन की जो सक्रियता है वो प्रभावित नहीं होती है।